हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल सर स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम परसेंटेज की बेस्ट ट्रिक सीखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। प्रश्न है, चीनी के भाव में 20% कमी आने पर 280 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाते हैं, तो चीनी का वर्तमान मूल्य क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ट्रिक दी गई है कि 1 किलोग्राम का दिया परसेंटेज निकालेंगे, इससे वर्तमान भाव निकल जाएगा। ठीक है, क्या करना है, वर्तमान भाव निकालने के लिए 1 किलोग्राम का दिया हुआ परसेंटेज निकालेंगे। सबसे पहले 1 किलोग्राम चीनी निकाल लीजिए, 280 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाते हैं। 280 को आप भाग कर देंगे 4 से, तो कितना आ गया, 4 छम 24, 4 सत्ते 28, यानी कि 70 आ गया है। अब निकालना है 1 किलोग्राम का दिया हुआ परसेंटेज। परसेंटेज कितनी दे रखी है, 20% दे रखी है, तो 70 का 20% कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए इसको, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 चौको 20, यानी कि 14 रुपए पर केजी, यही वर्तमान भाव हो गया है। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, ये तो वर्तमान भाव हो गया है। अगर हमसे प्रारंभिक भाव की बात की जाए, प्रारंभिक भाव के लिए क्या करेंगे, वर्तमान भाव रख लेंगे और रखेंगे 100/80, क्योंकि कोई भी वस्तु हो वो प्रारंभिक 100 ही होती है, बाद में उसमें कमी या वृद्धि होती है। क्योंकि 20% की कमी आई है, तो 100 से कितना हो गया, 80 हो गया। इसको सॉल्व करने से प्रारंभिक भाव निकल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 14 पंजे 70, 70/4 कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 17.5 रुपए पर केजी हो गया। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस प्रश्न में 20% वृद्धि दी होती तब भी हम यही ट्रिक अप्लाई करते। केवल चेंज आता है प्रारंभिक भाव में, प्रारंभिक भाव में ही कमी या वृद्धि का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर यहाँ पे 20% की वृद्धि होती तो 100/120 कर देते। चलिए एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी देख लेते हैं, जिससे आपको ये ट्रिक अच्छे से क्लियर हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाते हैं। देखिए, अगर वृद्धि होता है तो कम खरीद पाएंगे, अगर यहाँ कमी होती तो उतने ही रुपए में ज्यादा खरीद पाते सामान को। ठीक है, तो कम खरीद पाते हैं तो चीनी का वर्तमान मूल्य क्या होगा। ट्रिक लेनी है आपको, 1 किलोग्राम का दिया हुआ परसेंटेज, परसेंटेज दे रखी है 20%, तो सबसे पहले 1 किलोग्राम के लिए निकाल लीजिए, 600/5 कितना हो गया, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0 लगा देंगे, यानी कि 120 हो गया। 1 किलोग्राम का 20% निकाल लीजिए आप, परसेंट निकालने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यानी कि 24 रुपए पर केजी इसका वर्तमान भाव हो गया है चीनी का। अगर प्रारंभिक भाव की बात करें तो फ्रेंड्स क्या करना है आपको, 24 रख लीजिए, प्रारंभिक वस्तु 100 ही होती है क्योंकि उसमें 20% की वृद्धि हुई है, तो 100 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 120 हो गया। पहले प्रश्न में आपने देखा कि 20% की कमी थी, तो 100 में से 20 घटा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रारंभिक भाव निकालने के लिए ही कमी या वृद्धि का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। होपफुली आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो प्रारंभिक भाव निकल आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 6 चौक 24, 5 चौको 20, यानी कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था, 20 रुपए पर केजी। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल आपका ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स वीडियो का लाभ ले सके। अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो आप किसी की जाने में मदद कर रहे हैं, तो प्लीज शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।